And I'll be welcomed in white on the stage. First diamond from Bihar, Priyawal and Sunita on the stage. And Sunita, here is a special bouquet for you first. I know this is a special day in your life. We were waiting for you this day for a long time. And here is a special plaque from Mr. Bill and Peggy Britt. And it says, Dear Sunita and Priyamvad, new diamonds. The highest reward for man's dedication to excellence is not what one gets from it, but what he or she becomes through it. Bill Britt, we are proud of your accomplishment and we love you. Bill and Peggy Britt, Free Enterprise Day Celebration 2009, here's for you. We know you have a special place in your drawing room for this. And here's a deli waiting for you. So here is the most fired up couple, Priyamvad and Sunita, before you. Kya bolun aur kya na bolun? ये माना कि दिल्ली भारत की राजधानी है, ये माना कि दिल्ली भारत की राजधानी है, ये भी माना कि आप सबों की भी एक दिन कहानी है, लेकिन आज हम इस स्टेज पे महक रहे हैं. थैंक गॉड प्रियंवद और सुनीता भी डायमंड बन चमक रहे हैं. दैट हैज हैपेंड हियर. फ्रेंड्स, जब स्टिकर लगी वीआईपी इनोवा से अंदर आ रहा था तो मेरी आंखों में आंसू थे. मुझे एक दिन वो याद आ रहा था जब दिल्ली के एफईडी में बाहर के गेट पर मैं अपने ग्रुप के लोगों को एफईडी के टिकट्स दे रहा था और टिकट्स के हिसाब कर रहा था. और तब आज एहसास हुआ कि आदमी अपनी जिंदगी में उपलब्धि और सम्मान पाने के लिए कितना छटपटाता है, कितना तड़पता है, लेकिन यह उसे उस दिन पता चलता है जब वो इसे प्राप्त कर लेता है, जब उसको यह मिल जाता है. फ्रेंड्स, आज रॉकी म्यूजिक हमारे लिए बजा है, आज डायमंड प्लेक्स हमारी बाहों में है और हम डायमंड लॉन्च की शोभा बढ़ा रहे हैं कांति, अनुराग, एनपी सिंह और डॉक्टर ब्रैज के साथ. लेकिन दोस्त, ये सब एक दिन की कहानी नहीं है, ये सब एक यात्रा है जिस यात्रा की जुबानी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे. लेकिन हम आज आपको कोई अलीबाबा की कहानी,
कोई सिकंदर की कहानी, कोई पृथ्वीराज चौहान की कहानी और किसी मॉडर्न फिल्म की कहानी नहीं सुनाने आ रहे हैं। हम तो आज आपसे वो शेयर करने आ रहे हैं कि अगर बिहार के एक छोटे से जिले का एक शख्सियत मध्यवर्गीय संस्कारों के साथ लिपटा हुआ अगर अपनी तड़प और जुनून के चलते यहां पर आ सकता है, तो आप में से कोई भी आदमी वहां बैठा हुआ यहां पर अपने साथ आ सकता है। दोस्त, हमारा कल वो था जहां आप हैं, हमारा कल वो था जहां आप हैं, जहां हम बैठे रहते थे, और आपका कल ये होगा जहां हम खड़े हैं। दैट आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, हम आपको आज थोड़ी सी अपनी कहानी, अपनी पृष्ठभूमि सुनाएंगे, हमने कैसे किया, और कुछ संदेश देना चाहेंगे। दोस्त, हम सबसे पहले उस ईश्वर को दुआ देना चाहते हैं, उनसे दुआ लेना चाहते हैं और उनका खूब आशीर्वाद लेना चाहते हैं जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया, क्योंकि उनके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप जानते हैं कि उनकी कृपा नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता है, और अगर उनकी कृपा हो तो बहिरे सुने मुख पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। अगर वो चाहे तो बहरा भी सुनने लगता है, जिसको बोलने नहीं आता वो बोल लेता, और भिखारी भी राजा हो जाता है। तो उनकी कृपा है कि आज हम यहां हैं। ही इज द ऑल माइटी। हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हमें संस्कार दिया, आज वो वहां बैठे हुए बिहार में, हमारे गांव बेगूसराय में है, लेकिन उनके संस्कार, उनके आशीर्वाद से आज हजारों लोगों के बीच में, लाखों लोगों के बीच में, वी आर हियर चीयरिंग आवर थॉट्स। आई एम टेलिंग यू, सो थैंक्स टू आवर पेरेंट्स, हमारी पूरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप जिसने हमें यहां पर लाया, हम उनका धन्यवाद अर्पित करते हैं। सबका कितनी बातें कहें, लेकिन जिसने हमें स्पॉन्सर किया इस बिजनेस में, आज वो इस बिजनेस में नहीं है और वो यूएस में रहती है, सिएटल में अपने हस्बैंड के साथ सेटल है, हमसे 7-8 साल छोटी, हमारे एक बहुत जिगरी दोस्त आईपीएस है, वो अभी डेप्टेशन में, उसकी बहन, उसने हमें स्पॉन्सर किया, आज वो इस बिजनेस में नहीं है, मंजरी किशोर। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसका महत्व खत्म हो जाता है। जैसे कृष्ण को जना देवकी ने और पाला यशोदा ने, लेकिन देवकी का महत्व भी कभी खत्म नहीं होने वाला है। शी हैज स्पॉन्सर्ड, हमें इस बिजनेस में बड़ा किया लोकली, नन अदर देन देवेशन रूपन वर्मा ने, एमरल्ड गोइंग डायमंड, हमें हमेशा बताते रहे इस बिजनेस के बारे में, यहीं पर है फाउंडर प्लेटिनम अविनाश एंड रीना, आई मीन पेरेंट्स की तरह इस बिजनेस में गार्जियन की भूमिका एस के रेणु उपाध्याय करते रहे, प्रोफेशनली अप्रोच के बारे में आशीष जी बताते रहे। लेकिन जिस आदमी ने हमें इस बिजनेस में बड़ा किया, जो हमारे लिए पालनहार, सखा, मित्र सब कुछ है, और आपके हमारे बिजनेस की भाषा में मेंटरशिप जिसने दी, ही इज नन अदर देन अनुराग एंड निधि अग्रवाल, यू नो फ्रेंड्स, मेंटरशिप का स्वाद तो उसी को मिल सकता है जो मेंटरशिप का स्वाद लेना चाहता है। और अगर किसी ने मेंटरशिप गुरु की परिभाषा समझ ली तो मैं क्या बताऊं उसको। कहते हैं ना कि कबीर गुरु के देश में बस जावे जो कोय, कागा ते हंसा बने जाति बरन कुल खोय। अरे कबीर कहते हैं कि गुरु के देश में खाली चले जाओ तो जैसे कौवा हंस बन जाता है, तुम्हारी जात भी बदल जाएगी। तुम्हारा कहना क्या, इफ यू हैव फॉलोड एनी मेंटर आई एम टेलिंग यू, दैट इज ऑल अबाउट। और क्या कहूं कंट्री मेंटर क्रांति गाल और ब्रिट वर्ल्ड वाइड के बारे में, इनके एसोसिएशन ने हमें वहां पहुंचा दिया जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। आदमी वही रहता है लेकिन संगत उसे बदल देती है। जैसे स्वाति का बूंद कहां गिरता है यह इंपॉर्टेंट है, वो क्या है यह इंपॉर्टेंट नहीं है। केले के अंदर चला गया तो कपूर बन गया, सांप के मुंह में चला गया तो विष बन गया, और अगर सीप के मुंह में चला गया तो मोती बन गया। आई फेल हियर एंड दैट्स व्हाई आई बिकेम डायमंड, दैट इज ऑल अबाउट पावर ऑफ एसोसिएशन। आई एम टेलिंग यू, पावर यहां है और कहीं नहीं। फ्रेंड्स, हम एक मिडिल क्लास रेगुलर फैमिली में पैदा हुए, बिहार के एक छोटे से जिले बेगूसराय में, भागलपुर में हमारी पढ़ाई लिखाई हुई, हमारे पिता प्रोफेसर थे टीएनवी कॉलेज में, भागलपुर यूनिवर्सिटी में, अच्छे संस्कार दिए, खूब अच्छी तरह से हमें पढ़ाया, हम 4 भाई 2 बहन थे, सबको यही सिखाया कि खूब अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी ले लो, जिंदगी पूरी बदल जाएगी। मध्यवर्गीय लोग सोचते ही ऐसे हैं, और रॉबर्ट कियोसाकी भी यही कहता है, रिच डैड की क्या थॉट प्रोसेस होती है, पुअर डैड की क्या थॉट प्रोसेस होती है। लेकिन उस समय सबसे अच्छा जो उपलब्ध था उन्होंने हमें देने की कोशिश की, हमने अच्छे अंक से उत्तीर्ण किया, मेट्रिकुलेशन प्लस टू किया, उस समय खूब अच्छी पढ़ाई करके इंजीनियरिंग में जाने का सिलसिला चला हुआ था, हम इंजीनियरिंग में चले गए, हमने 4 साल में बीटेक की, आई मीन इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से खूब अच्छी पढ़ाई की, उस 4 वर्षों का खट्टे मीठे अनुभव, अच्छे स्वाद, बहुत कुछ सीखा, मोटी मोटी किताबें थर्मोडायनामिक्स की, स्टीम पावर सिस्टम की, ऑटोमोबाइल की, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा ये तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि डिग्री अच्छी नौकरी के लिए जरूर ले ली और कड़ी मेहनत करना सीख गया।
वहां से हमने सीखा कि हार्डवर्क कैसे किया जाता है। पढ़ाई करके जब निकला तो सोचा कि खूब अच्छी नौकरी मिलेगी, जीवन के सारे सपने सफल हो जाएंगे। लेकिन जब नौकरी फाइनल ईयर के बाद लेने गया तो पता चला कि नहीं, इस नौकरी से सब कुछ नहीं होने वाला है। तो लोगों ने बताया कि और अच्छी अगर तैयारी करना चाहते हो तो सिविल सर्विसेज की तरफ चले जाओ। हमारे बिहार में अगर आप किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को देखना चाहते हैं तो उसके दो ही विकल्प होते हैं, या तो आईटी में क्वालिफाई करे या आईएएस में जाए, तीसरे की चीजों के बारे में वो नहीं सोचता है। एंड दैट्स व्हाई दे आर मेजर इन ऑल दीज नंबर्स, यू नो इट। सो वी ऑल्सो डिड ऑल दीज थिंग्स, टुक एवरी एफर्ट, क्वालिफाइड इन सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, और फाइनली नौकरी में चले आए। एक डेढ़ मिनट में हमारी पढ़ाई और हमारी कथा यही है दोस्त। जब पूरी तरह पढ़ाई करके नौकरी में आ गए तब लगा कि अब तो सब कुछ मिल जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। एक संयुक्त परिवार में रहने वाला लड़का क्या सोचता है आप जान सकते हैं, वो क्या विजुलाइज करता है। उसके बहुत बड़े सपने नहीं होते हैं लेकिन छोटे छोटे सपने होते हैं। वो बहुत बड़े ताजमहल का ख्वाब नहीं देखता है लेकिन छोटे छोटे ताजमहल जरूर बनाना चाहता है। उसका विजुलाइजेशन होता है कि कम से कम एक बड़ा घर जरूर हो, अंदर की घुमावदार सीढ़ी, अपने अपने कमरे, सब लोगों की गाड़ियां, सब साथ एक साथ खाना खाएं, शाम को एक साथ बिताएं और सब कुछ एक जैसा हो। लेकिन दोस्त नौकरी से ये सब कैसे हो सकता है, ये तो विद्यार्थी समझ नहीं पाता है। जब वो वास्तविक जिंदगी में आता है तब उसे पता चलता है कि सच क्या है, सच क्या है। जाना तो अर्था गमो पाए पर सदा रहा संकुचित काय, निराला बोलते हैं ना, तो वही स्थिति है। और तब हम समझे कि जीवन क्या है, सारे सपने नीचे धराशायी हो गए। लेकिन करते तो क्या करते, तब तक तो आधी जिंदगी लगता है बीत चुकी थी, पढ़ाई पूरा हो चुका। नहीं, लिखा है साहब जी ने कि जब आधा जीवन बीत गया बनवासी सा रोते गाते, तब इस दुनिया में पता चला सोने के हिरन नहीं होते। जब सवेरे की भागदौड़ शुरू हुई और मध्यवर्गीय जिंदगी और रोज की वही जिंदगी होने लगी, तब पता चला सच क्या है। यहां भी जब मैं आता हूं और देखता हूं सवेरे 7:30 बजे गुड़गांव के लिए यहां से दौड़ना, सब लोग ट्रैफिक पर दौड़ पड़ते हैं अपनी अपनी अंधेरी गुफाओं में घुसने के लिए, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर्स पर, अपनी फाइल्स में डूब जाने के लिए, 1:30-2 बजे लंच के लिए भागना, आपाधापी करना, अपनी रोटी सब्जी चटनी और बोनस के बारे में चर्चा करने के लिए, और शाम को फिर 5 बजे दौड़ते हुए अपनी बसों, अपनी कारों को सड़कों पर पकड़ने के लिए, 8 बजते बजते अपने घरों में थक कर बिस्तर पर एक छोटे से रिमोट के साथ गिरते हुए, तो लगता है सच यही है क्या। वो रघुवीर साहे ने दोस्त, वो रघुवीर साहे ने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है, मैं हर जगह सुनाता हूं और अभी भी बताऊंगा। इंडियन वुमेन पर लिखा है कि भारतीय औरत कैसी होती है, बेचारी चाहे कितनी भी पढ़ लिख ले लेकिन घर का काम करना ही पड़ता है उसको, कुछ भी हो जाए। हम लोग उसको अपनी भाषा में बोलते हैं कुछ भी कर लो सब धान मिला जुला कर 22 पसे ही होगा, उससे अधिक नहीं होगा। तो सहाय जी ने लिखा है और कहा है कि पढ़िए गीता, इंडियन यूनियन वाले कितना भी पढ़ लिए, व्हाट एवर यू अकॉम्प्लिश इन नासा, यू मे गो थ्रू न्यूक्लियर फिजिक्स एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टडीज, हार्डली मैटर्स। पढ़िए गीता बनिए सीता, कितनी भी आदर्श स्त्री बन जाइए, पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए, आंखें गीली लकड़ी सीली, घर की सबसे बड़ी पतीली में भरकर भात पसाइए। दोस्त मिडिल क्लास समझ नहीं पाता है, मिडिल क्लास समझ नहीं पाता है कि वो क्या है। वो अपनी जिंदगी के 40% जब गुजार देता है तब उसे एहसास होता है वो क्या है। उसे ये पता नहीं होता है कि वो किस माया जाल में फंस गया है, उसे ये पता नहीं होता है कि बड़ी सोच उससे जा चुकी है। पाश ने एक बात कही है, लोग रोज नौकरी जाने से नहीं मरते हैं, लोग रोज खाने से नहीं मरते हैं, लोग रोज अपनी जिंदगी के बारे में बताने से नहीं मरते हैं, लेकिन जिस दिन उसके सपने मर जाते हैं लोग उसी दिन मर जाते हैं। That is all about. Friends, हमारी भी वही स्थिति हो गई थी, हम भी जम गए थे, जाम हो गए थे, अपनी कीचड़ में फंस गए थे, हम भी खत्म हो चुके थे, हमें भी कुछ पता नहीं था, लेकिन अचानक ईश्वर की कृपा हुई। कहते हैं उनकी कृपा होती है तो सब कुछ हो जाता है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। सब दिन सौभाग्य किसी का नहीं सोता है। हमारा भरघर के बगल रविवार में उस लड़की के घर जाना, एक आदमी का
एक मार्कर बोर्ड पर कुछ लिखना, प्रोडक्ट देखकर नाक भाव सिकोड़ना, फिर 35-40 मिनट के उस प्लान को देखना, अपने अंदर कुछ चलते चले जाना और प्लान खत्म होते होते ऐसा महसूस करना जैसे भरी हुई मिट्टी, ऊपर से लिपी हुई मिट्टी से कोई मूर्ति हो, उस पर कोई पानी का फव्वारा मार रहा हो धीरे धीरे और वो मूर्ति साफ होती जा रही हो। हमें क्या पता था उस दिन के पहले, हम नहीं जानते थे क्या होता है लीनियर इनकम, क्या होता है रेसिडुअल, हमें क्या पता था एम्प्लॉयर किसको कहते हैं, इंप्लाई किसको कहते हैं, हमें क्या पता था कि पर्सन बड़ा होता है या सिस्टम बड़ा होता है, हमें क्या पता था कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की एक लिमिट होती है, और हमें क्या पता था कि अगर बड़ी सोच नहीं लाओगे तो बड़ी ग्रोथ नहीं हो सकती है। लेकिन उस दिन प्लान ने बता दिया, रात को बहुत एक्साइटेड हुआ, घर गया, खूब खुश हुआ, लगा कि सब कुछ अब बदल जाएगा, लेकिन सवेरे उठते ही फिर वही अखबार, दूध, चाय, नौकरी फाइल सब भूल गया। छोड़ो यार, क्या जो है कम है क्या, इतना भी किसके पास है, सीनियर ऑफिसर हूं, क्लास वन हूं, मंत्रालय में बैठता हूं, सब कुछ करता हूं, निर्णय लेता हूं, क्या ये करने की जाज है, वैसे भी बहुत कुछ मिला है। साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ने भूखा जाए, है ही तो एते पांव पसारिए जेते लांबी सौर, अरे जितना चादर है पांव पसारो, बकवास क्या करने का। अपने आप को प्रमाणित करने के लिए आदमी कितने सुंदर बहाने ढूंढता है। लेकिन दोस्त कहते हैं ना, ईश्वर की कृपा होने से काम चल जाता है, लेकिन उनकी विशेष कृपा हो तो सब कुछ हो जाता है। आपको अगर भगवान ने हृदय दिया, तो कृपा की, स्वस्थ विचार दिया तो विशेष कृपा की, आपको उन्होंने आंख दी तो कृपा की, दृष्टि दी तो विशेष कृपा की, कोख दी तो कृपा की, संतान दी तो विशेष कृपा दी, सफल बनाया तो कृपा की, इंसान बनाया तो विशेष कृपा की। और एक बड़ा सेमिनार ऐसे ही देख लिया, उस आदमी ने बताया ऐसे ही ईश्वर की कृपा थी, गया उधर से बस घुस गया और घुस के उस एक्साइटमेंट में बैठ गया और पीछे की कुर्सी पर बैठकर सुनना शुरू कर दिया। उस 1.5 घंटे ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, विशेष कृपा हुई। दोस्त मैं आपको क्या बताऊं, वो आदमी एक ही बार आया था, फिर पटना आया नहीं, तीर्थांकर दत्ता सितंबर में, उसके बाद कभी वो आया नहीं। दोस्त उस आदमी ने उस दिन मुझे एहसास करा दिया, बड़ी सोच किसे कहते हैं, सत्य को छूने का साहस कैसे किया जाता है, आदमी के अंदर में कितनी ऊर्जा होती है, अगर वो उसका 5% भी भुना ले तो सब कुछ हो सकता है। आदमी अपने अंदर का 98% म्यूजिक लेके कॉफिन में ऐसे ही चला जाता है। और उस दिन उसने मुझे समझा दिया कि प्रेमवत, अगर 3 से 5 साल, 2 से 4 घंटे मेहनत करने के लिए तुम तैयार हो जाओ, चीजें तुम्हारे लिए भी बदल सकती हैं। और उस दिन मैंने निर्णय लिया। कहते हैं सफलता हमेशा निर्णय के बाद आती है, आई डिसाइडेड, और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। रात को मैंने अपने अपलाइन को बुलाया, मेरा किट कहां है, प्रोडक्ट कहां है, क्या करना है, होम मीटिंग कैसे होगी। कल मैंने 4 लोगों को बुलाया, कोई नहीं आया, फिर परसों मीटिंग की, फिर उसके बाद परसों मीटिंग की, एक आदमी आया, वो सीरियस नहीं हुआ, उसके बाद फिर मीटिंग की, एक और आदमी आया, और फिर चीजें बदलने लगी। उसी महीने 6%, अगले महीने 9% गया, उसके अगले महीने 12% गया, उसके अगले महीने 15% गया, 5 महीने में मैंने सिल्वर ब्रेक किया। मैं उस समय पटना में था, दिल्ली में आकर मैंने क्लोजिंग की, वहां पहले क्लोजिंग नहीं होती थी, 2 दिन पहले एडीसी बंद हो जाता था। हमारे अपलाइन ने कहा 6600 पीवी है प्रेमवर, 18 फॉर्म तुम्हारे पास है, पर्सनल पीवी है, लेके रात को चढ़ जाओ। दौड़ते हुए ट्रेन को राजधानी पर चढ़ा बिना टिकट के, कहा दे दूंगा जुर्माना लेकिन सहूंगा नहीं सिल्वर रहने के बिना। दोस्त चीजें बदलती चली गई, और उसके बाद रुके नहीं, प्लैटिनम गए, फाउंडर्स प्लैटिनम गए, रूबी गए, सफायर गए और एमरल्ड चले गए। दोस्त ये सब कहानी एक दिन नहीं हुआ, यहां से बोलना मेरे लिए कितना कठिन है, कम शब्दों में मैं आपको बता नहीं सकता हूं, क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं मुझे समझ नहीं आता है। निजत्व भाव से दिल है बेचैन, क्या करूं, कहां जाऊं, दिल्ली या उज्जैन। लेकिन दोस्त एमरल्ड से डायमंड की कहानी मेरी कहानी सिर्फ नहीं है, मेरे साथ एक ऐसी सुंदर स्त्री की कहानी है जिसने हमारी जिंदगी को बदल डाला। पहली बार किसी को प्यार किया, इजहार किया और तैयार हो गई शादी करने के लिए, तो क्या करता, हारे को हरिनाम। शादी हुई लेकिन आज इसने हमारे जिंदगी को बदल डाला, हमारे 3 बच्चे हैं और चौथा कल मुहा मैं हूं, लेकिन सबको संभालती है
और इसने हमारी डायमंडशिप को भी संभाला है। ये वो है जो मेरे जीवन में सारे सारे दुख को दूर करती है। सुनीता हियर, गिव ए वेरी गुड अप्लॉज फॉर हर। थैंक यू प्रियंवर। नमस्कार ऑल ऑफ यू, और नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और बहुत अच्छा लग रहा है, आज वो दिन आ गया जिसका इंतजार हम भी वहाँ बैठ के करते थे। और हम भी बिहार से हैं, नाम मेरा सुनीता प्रेमवद है, मेरा जन्म भी मीडियम क्लास फैमिली में हुआ है, और तीन बहन एक भाई की फैमिली, पापा कॉलेज में प्रोफेसर थे, माँ हाउसवाइफ थी, और हमने स्कूल की पढ़ाई की, फिर कॉलेज की पढ़ाई की। जब मैं इंटर में थी तो मेरे पापा का ट्रांसफर होके यूनिवर्सिटी आए, और उसी समय प्रेमवद के भी फादर वहाँ आए ट्रांसफर होके, और संजोग कहिए कि एक ही मकान में हम लोग एज ए रेंटर रहने लगे। और फिर फैमिली के रजा मंदी से हम लोगों की शादी हुई, और हम लोगों की शादी आज से 20 साल पहले हुई, 20वां साल है मेरे शादी का। और आज तीन छोटे छोटे बच्चों के साथ हमने बिजनेस को बनाया है। और मैं कुछ मैसेज देना चाहूंगी लेडीज को कि शायद मेरी कहानी से उनको बिजनेस बनाने में हेल्प मिले, और वो एक ड्रीम देख सकती हैं कि डायमंड बनने के बाद लाइफ टोटली चेंज हो जाता है, और डायमंड बनने के बाद कैसा फील होता है वो डायमंड जाओगे तभी फील कर सकते हो। मैं बता जितना भी बताऊंगी सब कम लगेगा। और आज बहुत इंजॉय कर रहे हैं, एमवे भी थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करती है डायमंड्स का, ये फील होता है, पहले सुनती थी। और इस बार का ट्रिप भी हम लोगों का लंबा था, बहुत मजे करके हम आए, और अभी एफईडी में सब जगह घूम रहे हैं, ग्रीन रूम में बहुत मजा कर रहे हैं। तो ये तभी हो सकता है जब भी आप छोटे छोटे काम करके एक दिन बड़ा पिन पाओगे, डायमंड जाओगे तब। देखिए इसमें हो सकता है, हमने भी किया है, और फर्स्ट डे मेरे को भी विजन नहीं था कि हम डायमंड जाएंगे, और डायमंड अपने आप को नहीं देखती थी। बट जैसे जैसे डीप में आप बिजनेस बनाते हो और बिजनेस में काम करते हैं ना, तो जब बिजनेस आप में घुसता है, बिजनेस में आप इन्वॉल्व होते तो फील करते हैं कि हम भी जा सकते हैं, और तब आपका इरादा और स्ट्रांग होता है, और काम उसी हिसाब से आप करते हो तब डायमंड जाते हो। और मैं बताऊं, मैं डायमंड गई और मेरे पीछे 2 महीने बाद मेरी फर्स्ट लेग से भी एक डायमंड निकली है, अभी मेरे नीचे भी एक डायमंड आया है, और एक डायमंड क्वालिफिकेशन में है मेरी पहली लेग। और आज से 2 साल पहले लगभग मेरी चारों लेग्स प्लैटिनम थे, 2 लेग को लेके हम लोग में उथल पुथल था कि इसको कैसे हम लोग संभाले। हम लोग लास्ट ईयर भी सोचे कि प्रेमवद हम लोग कर सकते हैं, तो बट जब समय होता है तभी आप करते हो कोई चीज, और जब आपका इरादा बहुत पक्का होता है तभी आप बड़े चीज को पाते हो। फिर हम लोगों ने सोचा नहीं इसको करना ही है, और हम लोग बैठ के गोल सेट किए, और 2 लेग पे काम करना था क्योंकि 4 लेग मेरी बहुत स्ट्रांग थी, प्लैटिनम्स बाय प्लैटिनम्स की लेग थी, तो 2 लेग को संभालना था, और हम लेडीज का पार्ट संभाले, प्रेमवद ओवरऑल देखते थे, और हमने उसमें फिर ब्यूटी ब्रेक्स बढ़ाए, जैसे करके काम करके उनको एक गोल सेट किए, और फिर हम लोगों का वो प्लैटिनम दोनों लेग गया और देन डायमंड गया। और अभी बहुत मजा आ रहा है, बहुत आगे जाना है, हम विश करते हैं, आप लोग सब बहुत सुंदर दिख रहे हैं, सब डायमंड्स हैं, और मन से काम करेंगे तो आपके सारे सपने पूरे होंगे, होते हैं, मैं बस यही मैसेज दे सकती हूँ। आज मेरे सारे सपने धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं, बहुत छोटे छोटे मेरे बच्चे, मेरा 2 साल का बेटा भी, मैं उसको बुलाऊंगी, तीनों बच्चे मेरे साथ हैं, और बहुत दुख भी होता था उनको छोड़ के काम करने में, बहुत खुशी भी होती थी, बहुत सेक्रीफाइस भी किए बच्चे, बहुत चीज हमने भी मिस किया, बट आज सब भूल गए, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और उनको प्राउड होता है कि हम डायमंड्स के बच्चे हैं। डायमंड क्या है वो नहीं समझते, बट उनको जो अच्छा अच्छा सब चीज मिलता है तो बहुत खुश हैं। तो आप भी अपने बच्चों को दे सकता है, मैं यही मैसेज दे सकती हूँ यहाँ से, और भगवान आपकी हेल्प करे, आप मन से करो इस बिजनेस का काम करो तो आपके सारे पिंस मिलेंगे, गॉड आपके साथ है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। दोस्त, एमरल्ड से डायमंड की कहानी असल संघर्ष की कहानी है, कहते हैं कि सोच के स्तर पर सबसे बड़ा संघर्ष होता है, एमरल्ड से डायमंड जाने का निर्णय लेना है सबसे बड़ा कठिन होता है। कहते हैं डायमंड जाना बहुत आसान है, डायमंड जाने का डिसीजन लेना बहुत कठिन है। हमने वही किया, सबसे पहला संघर्ष हमारा अंदर में था, हम अपनी सेल्फ इमेज को बढ़ाकर क्या हम डायमंड जा सकते हैं वो देखना था। हमारी 4 लेग्स थ्रू थी, 5वीं चटी भी थी, लेकिन हम निर्णय कैसे लें। हमारी स्थिति वही थी जैसे कोई बड़ी उपलब्धि पाने का एक भय हो, जैसे आपको चोटी दिख रही हो और आपको चढ़ने भी आता हो लेकिन चढ़े क्या, जैसे तैरने आता हो और किनारा दिख रहा हो लेकिन तैरे क्या।
और वही सेल्फ इमेज हमने सबसे पहले बढ़ाया, अंदर के संघर्ष को ठीक किया, अपनी सेल्फ इमेज को ऊंचा किया किताबों को पढ़कर, और दूसरा बाहर का संघर्ष। हमारे तीन छोटे छोटे बच्चे थे, सुनीता के लिए बहुत टफ था बाहर निकलना। हम शाम को नौकरी करके आते थे और 7:30 बजे से फिर इस बिजनेस को 7 बजे से करना। हमारा उसी समय ट्रांसफर भी हो गया 60 किलोमीटर दूर, इंटेंशनली कर दिया गया, और हम वहां रोज सवेरे 8 बजे जाते थे अपने दफ्तर से निकलकर और शाम को आते थे। आने के बाद शरीर कहता था कि प्रेमवध तुम नहीं कर सकते, लेकिन हमें वही सोचना था कि शाम को 7 बजे घर आकर चाय की चुस्की के साथ अपने आप को थका घोषित करूं या डायमंड के गोल्स को अपने हाथों में समेट लूं। निर्णय हमें मुझे लेना था, हमने सोचा करूंगा। दूसरा, इतना छोटा बेटा था कि उसके साथ खेलने में भी मजा आता था, उसकी तुतली बोली सुनकर लगता था यार कहां प्लान दिखाओगे, मस्ती करो, पैसे तो आ ही रहे हैं। लेकिन हमने वो निर्णय लिया, नौकरी के संघर्ष को खूब अच्छे से देखा, हम अच्छी पोजीशन में थे, लॉट ऑफ चैलेंजेस वाज विद अस, आई एम टेलिंग यू लॉट ऑफ थिंग्स वेयर देयर, बट वी ओवरकेम ऑल दिस थिंग्स। हम जानते थे कि संघर्ष जब जब बड़ा होता है उपलब्धियां बड़ी तभी आती है, बड़ी उपलब्धि छोटे संघर्ष के साथ आज तक नहीं आई है। हमने किताबों में पढ़ा था, पिताजी ने हमें बताया था कि संघर्ष जैसे बढ़ेगा बेटा समझ लो सब कुछ आने वाला है, उसके बगैर कुछ नहीं होता है। हमें उन्होंने बताया था कि पीसा जाता जब इक्षुदंड बहती रस की धारा प्रचंड, गन्ने को जब तक पीसोगे नहीं, कांटों के बीच में डालोगे नहीं मशीन में, रस की धारा नहीं आने वाली। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते, फूल के अंदर में सुई चुभोगे तभी माला बनेगी, ऐसे बनती नहीं है वो। आप मेहंदी को ऐसे ले लो, लेकिन लड़कियां मेहंदी को लगाएंगी नहीं जब तक मेहंदी को आप पीसोगे नहीं। जब मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती लल्लाओं का श्रृंगार, तभी वो उनका श्रृंगार बनती है। और ये हम जानते थे, हमें ये पता था कि सबने बड़े बड़े संघर्ष किए हैं, और जितना बड़ा क्रिएटिव थिंग्स आपको चाहिए आपको उतना बड़ा संघर्ष, उतनी बड़ी पीड़ा झेलनी होगी। अब सोचिए ना, मां की प्रसव पीड़ा से बड़ी कोई पीड़ा होती है? 9 महीने तक अपने रक्त को पिलाना, किस तरह से बचा के रखना, और तब डिलीवरी के वक्त दुनिया का सबसे बड़ा पेन लेना, लेकिन उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा गेन भी लेना, सबसे बड़ा क्रिएटिव भी लेना। दैट आई वाज नोइंग इट, मैं जानता था, एंड देन आई स्टार्टेड इट। हमारे अपलाइन अनुराग जी ने कहा कि चिंता मत करो, कौन क्या कहता है वो मत देखो, अपनी आंखों को एक तरफ फोकस करो, कौन डायमंड जा रहा है, कौन एमरल्ड है, कौन बहुत दिन से कम दिन से, मत देखो। एंड देन आई स्टार्टेड, नहीं है घोड़े को लगा देते हैं, तो बस मैंने भी सोचा कि मैं अपने इस कंधे को देखूंगा, डायमंड शिप को देखूंगा। युक्का जुआ, मत देख दाएं और बाएं, झांक मत बगले, अगर कुछ देखना है तो देख अपने वो वृषभ कंधे जिन्हें देता चुनौती, सामने तेरा कड़ा युक्का जुआ। That I decided, and then I did all these things. फिर सितंबर से हमने शुरुआत की, पीछे नहीं देखे, सितंबर किया, अक्टूबर किया, दिसंबर किया, मार्च आते आते हमारे ग्रुप में एक आदमी ने डिसाइड कर लिया, अरे प्रेम जी जा रहे हैं, अनुज एंड प्रतिमा ऑल्सो कैन डू, मार्च से उन्होंने डायमंड क्वालिफिकेशन में चला दिया, जून में हमने कंप्लीट किया, अगस्त में उसने, बाप बेटे दोनों 1 साल में डायमंड निकल गए। और दोस्त कहानी बदलती चली गई, आज ऑर्गेनाइजेशन की यह स्थिति है कि ब्लास्ट आफ्टर ब्लास्ट हो रहे हैं, पवन एंड रंजना इज ऑलरेडी इन डायमंड क्वालिफिकेशन, दे हैव कंप्लीटेड 2 मंथ्स, अभी 10 एमरल्ड क्वालिफिकेशन में वहां से आ रहे हैं, 40 प्लैटिनम क्वालिफिकेशंस में, एंड थिंग्स आफ्टर थिंग्स आर हैपनिंग आई एम टेलिंग यू। हमारी पहली लेग में 3-3 एमरल्ड ऑलरेडी है, 6 एमरल्ड क्वालिफिकेशन में, एक डायमंड क्वालिफिकेशन में आ रहा है। दूसरी लेग में फाउंडर्स प्लैटिनम आ चुके हैं, उसके नीचे फाउंडर्स प्लैटिनम है, एमरल्ड क्वालिफिकेशन फरवरी से शुरू है। तीसरी लेग में तो 4 लोग लगातार एमरल्ड क्वालिफिकेशन, एमरल्ड बैक्ड बाय एमरल्ड, 4 आदमी ने एक साथ इस साल एमरल्ड क्वालिफिकेशन शुरू कर दिए, 3 महीने कंप्लीट कर चुके हैं। चौथी लेग हमारी ऑलरेडी एमरल्ड क्वालिफिकेशन में जा चुकी है, रंजन एंड मधु। फिफ्थ इज ऑलरेडी प्लैटिनम, बैक्ड बाय प्लैटिनम, एंड सिक्स्थ इज ऑलरेडी प्लैटिनम, और वहां पर एक ऐसा आदमी आ रहा है जो हो सकता है इस साल एमरल्ड क्वालिफिकेशन में चला जाए। सीन इज सो ब्यूटीफुल आफ्टर गोइंग डायमंड, फ्रेंड्स हाउ कैन आई एक्सप्लेन एवरीथिंग, मैं सब चीज बयान कैसे करूं इतने कम समय में। अगर इस अकॉम्प्लिशमेंट्स और उपलब्धि की बात करूं तो कल्लू की रोटियां हैं, क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं। इतना कह सकता हूं कि भूषण ने कविता कही है ना, 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती है, जो 3 फ्रूट्स केवल खाती थी, औकात नहीं थी, वो 3 बार खाती है। कैन यू बिलीव इट, माया नगरी में जो जो चीजें मिलती है हम खरीद रहे हैं, डायमंड शिप का बोनस चेक क्या मजा दिया है, नई गाड़ी 1400 स्क्वायर फीट 3000 स्क्वायर फीट में बदल गया है, हम लोगों ने ऑलरेडी खरीद लिया है, 10-12 लाख रुपए दे रहे हैं इंटीरियर करने वाले को, शानदार 3000 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट हमारा अभी तैयार हो जाएगा घर बनने के पहले। लेट मी टेल यू, अभी हम लोग कहां कहां सफर कर रहे हैं हमें पता ही नहीं चलता है, आंख खुलती है तो लुधियाना में, बंद होती है तो दिल्ली में, यहां पर रिकॉग्निशन होता है, वहां पर डॉक्टर ब्रैच हैंड रेज करते हैं, यहां TD कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से लगता है हम वही है, क्या हो गया, मैं वही, दर्पण वही,
ना जाने रे क्या हो गया कि सब कुछ लागे नया नया। हाउ कैन आई टेल यू, हाउ कैन आई टेल यू, बदल गया है अर्थ के मायने बदल गए हैं। पत्नी कार्ड लेकर पिछले 3 दिन से दिल्ली में खरीदारी कर रही है और यही उसकी समझदारी भी है। दोस्त, अंदर के बदलाव के बारे में चर्चा करूं तो सब कुछ बदल गया है, एक नया व्यक्तित्व आ गया है, टोटल पर्सनैलिटी, कर्म, सुंदरता और चरित्र तीनों का संगम हो गया। आज मैं खूब काम करने में विश्वास करने लगा हूं, आलसी रहा ही नहीं, वो सब चीज निकल गए हैं, खूब काम करता हूं। सुंदरता, आप देख ही रहे होंगे कितना सुंदर लग रहा हूं। और चरित्र, सब कुछ इस ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने बदल दिया है। कहते हैं प्रतिभा आपको एक बार सफल बना सकती है, लेकिन चरित्र आपको लगातार उसे बनाए रखेगा। टोटल पर्सनैलिटी बदल गया, संगत बदल गई है। पीछे डायमंड लाउंज में करोड़पतियों के साथ बैठता हूं, बात करता हूं 10,000 स्क्वायर फीट के घर में, बात वो करते हैं, वो अपनी जनरेशन के बारे में क्या सोच रहे हैं, नए प्रोजेक्ट में क्या इन्वेस्टमेंट है, अब कैसे ग्रोथ ले रहे हो, नए डायमंड्स कौन आ रहे हैं। थॉट प्रोसेस हैज टोटली चेंज्ड, आई एम टेलिंग यू, माइंड ब्लोइंग। नई किताबों को पढ़ने का, नई संगत, सब कुछ बदल गया। कहां थे, कहां आ गए, नहीं था, तू क्या था रे, तू क्या हो गया। फ्रेंड्स, कुछ संदेश देना चाहता हूं आपको, बताना चाहता हूं, ये डायमंड शिप जैसे अमृत मंथन हुआ था ना, तो अमृत मंथन जिस तरह से हुआ था उससे बहुत सारी चीजें निकली थी, ये डायमंड शिप की प्रक्रिया ने भी बहुत सारी चीजें दी हैं। कुछ संदेश देना चाहता हूं। पहला संदेश, खूब काम कीजिए। इस दुनिया में कर्म का, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्डवर्क। और दोस्त, इससे सुंदर कोई चीज भी नहीं है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस दुनिया में पीपुल, आप लोग आपकी बात तभी मानेंगे जब आप करके दिखाइएगा। पीपुल मे डाउट व्हाट यू से, बट दे विल ऑलवेज बिलीव व्हाट यू डू। आप जो करते हैं उस पर विश्वास करेंगे। यहां पर हमें उन लोगों की जरूरत है, उन लोगों की नहीं जो चिकी नौकी बैठकर खूब अच्छा पहन कराते हैं, सर आप कितना अच्छा बोले, सर बहुत बढ़िया, सर मुझे बिजनेस बहुत अच्छा लगता है। वी डोंट नीड दिस टाइप ऑफ पीपुल। हमें वैसे लोग चाहिए जो शाम को घर आकर अपने ऑफिस के ब्रीफकेस को रखते हैं और हाथ की आस्तीन चढ़ाकर मार्कर बोर्ड लेकर निकल जाते हैं प्लान दिखाने के लिए। हमें ऐसे लोग चाहिए, हमें वैसे लोग चाहिए जो रात को 10 बजे के पहले अपने घर नहीं घुसते हैं, हमें वैसे लोग चाहिए जो रात को 11 बजे के पहले घर नहीं घुसते, 2 प्लान 3 प्लान दिखाकर उनके हाथ मार्कर से सने होते हैं, वे आते हैं पसीने से लथपथ और उस समय उनकी पत्नी को उनसे सुंदर शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन भी नहीं लगता है। दे आर द रियल हार्डवर्क पीपल, आई एम टेलिंग यू। हमें कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं चाहिए, हमें युधिष्ठिर नहीं चाहिए, वो मुझे दिनकर की पंक्ति याद आ रही है, हमें काम करने वाला आदमी चाहिए। रे रोक युधिष्ठिर को न यहां, जाने दे उसको स्वर्ग धी। युधिष्ठिर की जरूरत नहीं है चिकनों की लोगों की। रे रोक युधिष्ठिर को न यहां, जाने दे उसको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। वी नीड अर्जुन, वी नीड भीम हु शोज प्लान, हु रिटेल द प्रोडक्ट्स, आई एम टेलिंग यू। सो वी नीड ऑल दीज थिंग्स। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि हमें काम करना है, काम का विकल्प कुछ नहीं है, खूब काम करना है, हमें और किसी लोगों की नहीं चाहिए। दूसरा संदेश जो हम आपको चाहते हैं देना, दैट इज, दोस्त इस बिजनेस में कभी छोड़िएगा बिजनेस नहीं, नेवर गिव अप। पीपुल डोंट फेल इन दिस बिजनेस, पीपुल लीव दिस बिजनेस। लोग फेल नहीं होते, लोग काम करना छोड़ देते हैं। रिजिग्नेशन इज नॉट द सॉल्यूशन, आई एम टेलिंग यू। आपको यहां पर वही लोग सफल मिलेंगे जो लगातार रहे, जो लगातार रहे और जो लगातार रहे। हर एग्जाम्पल आपको वही मिलेगा, जितना भी पढ़े इतिहासों में, विज्ञानों में, डेल कार्नेगी जैसा आदमी भी अपनी जिंदगी में सब तरह सफल हुआ था और तब सफल होकर आया। सो नेवर गिव अप। एंड द थर्ड थिंग विच आई टेल यू, दैट इज, एक्स्ट्रा माइल चलने की आदत डालिए। एक्स्ट्रा माइल इज एक्स्ट्रा माइल। एक्स्ट्रा माइल किसको कहते हैं, जब 10 रसगुल्ला खा लिए पेट भर गया, अब नहीं चाहिए एक रसगुल्ला और, एक रोटी और खा लीजिए। वन मोर प्लान, वन मोर रिटेल, वन मोर शो, वन मोर थिंग। इस दुनिया में उसान बोल्ट, सचिन तेंदुलकर, एआर रहमान की कहानी एक्स्ट्रा माइल की कहानी है, रेगुलर्स की नहीं कहानी है। एक्स्ट्रा माइल चलने की आदत डालनी है, सब कुछ बदल जाएगा। फ्रेंड्स, हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं कि हम इस बिजनेस में आए हैं आपको सिर्फ ये कहने के लिए कि हम एक साधारण परिवार के जन्मे हुए एक छोटे राज्य के लोग अगर इस बिजनेस की ऊंची ऊंचाइयों पर जा रहे हैं तो आप हर एक आदमी वही पहुंच सकते हैं जहां हम पहुंचे। एंड दैट्स व्हाई वी आर इन फ्रंट ऑफ यू। दोस्त, हम आपको अपने परिवार से भी परिचय कराना चाहते हैं क्योंकि इनका योगदान हमसे कम नहीं रहा है। ये मेरी बड़ी बेटी भाव्या, ये छोटी शरण्या और ये हमारा सबसे छोटा जो हमसे अधिक मीटिंग लेने के लिए तैयार रहता है, तनैतिश। वी आर सो ब्लेस्ड एंड
वी आर इन फ्रंट ऑफ यू सेइंग दैट गॉड इज ग्रेट, आवर प्लान इज ग्रेट, दिस सिस्टम इज ग्रेट दैट दे हैव प्रोड्यूस्ड लाइक अस, एंड हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम हमेशा आपको आपके और अपने पिन बदल कर दिखाएंगे। और हम आपके सामने ये कहते हुए लास्ट रॉकी म्यूजिक के साथ जाना चाहते हैं, हैंड रेजिंग करते हुए, प्लीज गिव दैट साउंड।